तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई। बढ़िया होने चाहिए, सबसे राम राम लिख दो, क्योंकि जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होते हैं। पीछे आपको ट्यूबवेल की आवाज़ आ रही होगी, ये खड़ी भाई अपनी महिंद्रा थार। इन्हीं सब के बीच में आज सुबह सुबह महिंद्रा स्कॉर्पियो की भी लेटेस्ट डिटेल जो है वो लीक हो चुकी है, इमेजेस लीक हो चुकी हैं। और हर बार की तरह मैं फिर से गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज और कोई पर्पज और कोई तरीका ही नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर पाऊँ कहीं से। बट आप लोगों को सबसे पहले मेरे को महिंद्रा स्कॉर्पियो एन 2022 के लुक्स दिखाने हैं, जो भी है भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब जो है आप लोग देखने वाले हो, तो भाई आपके इस भाई की छोटी सी मेहनत के लिए या फिर बहुत बड़ी मेहनत के लिए एक नीचे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज मे बी इतनी डिटेल में वीडियो किसी और ने नहीं दिखाई होगी। तो चलिए बिना टाइम से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम फाइनली महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 के एक्सक्लूसिव लुक्स में आपके सामने आ चुके हैं। गाड़ी जो है उसकी लॉन्चिंग डेट ऑलरेडी 27 जून की आ चुकी है, एंड ये चीज तो हम लोगों को भी कंफर्म है कि भी गाड़ी जो है 27th ऑफ जून को लॉन्च होने वाली है। इन सब के बीच में गाइस गाड़ी जो है शोरूम से पहुंचने लगी है, एक चीज तो 100% कंफर्म यहाँ पे आपको दिख रही होगी भाई, गाड़ी जो है उसके लुक्स काफी ज्यादा बल्की हैं एंड काफी ज्यादा अच्छी लग रही है देखने में। एंड नो डाउट गाइस, एक चीज तो 100% कंफर्म्ड है कि भाई ये गाड़ी लॉन्चिंग होने के बाद इस मार्केट को 101% रूल करने वाली है, बिकॉज इसके साइज की वजह से एंड साथ ही साथ जो इस गाड़ी के लुक्स दिए गए हैं वो मस्कुलर है। एंड फिर स्कॉर्पियो की बैजिंग तो मिली जाती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो साइड प्रोफाइल में अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड कुछ ऐसी लगती है। दीज आर द फर्स्ट एक्सक्लूसिव लुक्स, और ये जो है शोरूम के नहीं, बेसिकली सर्विस सेंटर के हैं। तो अब जो है गाड़ी सर्विस सेंटर में या हर जगह पहुंचनी स्टार्ट हो चुकी है, हालांकि ऑफिशियल रिवीलिंग नहीं हुई है, अनवील नहीं हुई, वो होगी 27 जून को, बट मे बी कुछ रीजंस की वजह से जो गाड़ी पहुंच चुकी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मेरे को एक छोटा सा ड्रॉबैक ये लगा कि बॉडी के बीच में जो पैनल्स का गैप है वो कुछ ज्यादा ही ऑब्जर्वेशन है। फिर दूसरी चीज गाइस, अगर आप ये लोग देखेंगे कि गाड़ी जो है वो एकदम प्रोडक्शन रेडी मॉडल है, क्योंकि इसमें जो है नया वाला महिंद्रा का लोगो है, पुराने वाला नहीं है, तो 100% कंफर्म तो ये है ही है कि भाई गाड़ी जो आपको ऐसी कुछ देखने को मिलने वाली है। रियर की मैं बात करूं तो ये जो टेल लैंप्स है ये वॉल्वो की, अगर आपको पता होगी, XC40 या XC90 गाड़ी से काफी ज्यादा कॉपी है, काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। देखो फ्रंट के लुक्स नो डाउट काफी ज्यादा अच्छे हैं, बट बैक वाले लुक्स जो स्कॉर्पियो के आते थे ना वैसे नहीं लग रहे हैं देखने में भी। एंड एक जो वो रॉबस्टनेस थी या फिर बल्कीनेस थी वो नई वाली स्कॉर्पियो में कहीं से भी देखने को नहीं मिल रही है। पर्सनली भाई अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, मे बी आप लोगों को पसंद आ रही हो, मुझे इतने पसंद नहीं आए हैं बैक वाले लुक्स। आप लोगों की क्या राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। देखो ऑल इन वन में बोलूंगा तो स्कॉर्पियो हमेशा से एक ऐसा ट्रेडमार्क था, ऐसा नाम था जो हमेशा से एक ऐसी मतलब माफिया लुक्स वाली या फिर कोई ऐसी बोल्ड लुक्स वाली जो है लुक्स दिखाता था, बट पीछे के लुक्स ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट करा है। बट देन फिर मैं ये चीज भी बोलना चाहूंगा कि हमेशा ये जो पहले इमेजेस आती हैं ये एंगल की वजह से काफी डिफरेंट दिखती है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि गाड़ी जब लॉन्च होगी उसके बाद कुछ और दिखेगा। अंदर चले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी मॉडल में जो अपना स्टेयरिंग व्हील है उसमें न्यू लोगो दिया गया है, तो ये एकदम प्रोडक्शन रेडी मॉडल है। इंटीरियर्स की मैं बात करूं तो ब्राउन कलर के इंटीरियर जो आपको देखने को मिलने वाले हैं। नीचे का जो कंसोल है वो XUV700 थार से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, जिसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एसी जैसी चीजें जो है आपको मिल जाएंगी। बीच में जो है इंफोटेनमेंट डिस्प्ले भी दी गई है, हालांकि इतना प्रीमियम नहीं लग रहा है। बट देन फिर मैं एक चीज और बोलूंगा कि स्कॉर्पियो को कभी भी प्रीमियम हमने देखा ही नहीं था, हमेशा से एक रफ एंड टफ गाड़ी देखी गई है, तो थोड़े बहुत जो है ब्लेंड्स करे गए हैं। ऑलरेडी आर्मरेस्ट इस गाड़ी में आ रहा है, टॉप एंड वेरिएंट है जो दिख रहा होगा। सामने की तरफ अगर आप लोग देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे एसी वेंट्स भी दिख रहे हैं, तो रियर में जो है एसी वेंट्स भी आपको 100% कंफर्म्ड है मिलने ही वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे तो जो सीट्स हैं वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल हैं देखने में। एक सोर्स ने ये भी बताया कि गाड़ी का जो कंफर्ट होगा भाई फॉर्च्यूनर से मिलता जुलता होगा, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अपनी जो नई वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो है ना वो कितनी ज्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे ये सारी चीजें जो है भाई इनने मेरे को काफी ज्यादा हैप्पी करा है कि भाई स्कॉर्पियो में ऐसे लुक्स आ रहे हैं। सो बेसिकली ये जो हमने सेंटर कंसोल था ऐसे वाला आज तक मर्सिडीज, जैगुआर, BMW जैसी बड़ी गाड़ियों में देखा था, बट अब आपकी स्कॉर्पियो जो है उसमें भी देखने को मिल रहा है। ऑफिशियल टीजर कल निकला था,
उसमें जो है 90% जो लुक्स हैं वो रिवील ऑलरेडी हो ही चुके थे। बट देन फिर मैंने जैसे कि बोला था कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो डिटेल वीडियो तो जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख ही रही है आप लोगों को। ट्रिपल कलर का जो इसमें यूज करा गया है, लेदराइट वर्क जो है आपको डैशबोर्ड पे देखने को मिलेगा, एंड स्कॉर्पियो एन की बैजिंग भी जो है आप लोगों को डैशबोर्ड पे देखने को मिलने ही वाली है। अच्छा गाइस, एक चीज मैं और बता दूं कि इस गाड़ी का नाम कुछ और रखा जाने वाला था, बट देन फिर हमेशा से एक स्कॉर्पियो की लीगेसी चली आ रही है। जैसे कि अगर आपको पता होगा, टाटा ने ग्रेविटास को सफारी बनाया, तो उसी तरह महिंद्रा ने भी इस गाड़ी को चेंज करते हुए स्कॉर्पियो बना दिया, तो सेल्स हैं वो धड़ाधड़ तो होने ही वाली हैं। सेंटर कंसोल मैंने जैसे पहले बताया था काफी ज्यादा अमेजिंग एंड काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो नो डाउट भाई गाड़ी जो है काफी ज्यादा बढ़िया दिख रही है मुझे तो लुक्स में। आप लोगों को कैसी लग रही है इंटीरियर से मुझे लिख के बताइएगा। यार मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप लोग बोलेंगे तो मेरे को भी समझना पड़ेगा कि मेरे भाइयों कैसी समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग माइलेज देखेंगे गाड़ी की, तो 11.5 की जो है माइलेज देने लग रही है गाड़ी। एंड ये जो स्क्रीनशॉट लिया गया है, फिर ये लिया गया है, तो बेसिकली ये लिया गया 160-180 की स्पीड पे। 220 की जो टॉप स्पीड है आप लोगों को गाड़ी में देखने को मिलेगी, और इसमें जो है कई सारे मोड्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो 11.1 की माइलेज इतनी ज्यादा खराब भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, कंसिडरिंग की जो इसका इंजन है काफी ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। हम लोग बीच की बात करें तो नॉट ज्यादा फैंसी, नॉट ज्यादा बेसिक जो है इंटीरियर्स रखे गए यहाँ पे, कुल मिला के इंस्पायर्ड फ्रॉम XUV700 है ये। तो देखो भाई, इंटीरियर्स के बारे में तो हमने सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट बता ही दी है, आप लोगों को कैसी लगी जरूर लिख के बताइएगा। बहुत सारे जो हैं इसमें फीचर्स दिए गए, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में जो है आपको दिख रहा होगा कि अपना क्रूज कंट्रोल है। अच्छा, वेंटिलेटेड सीट्स की मैं बात करूं तो उससे पहले वेंटिलेटेड सीट्स में हम लोग बाद में आएंगे, हालांकि एक छोटी सी आप लोग झलक भी देख सकते हो कि छोटे 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 परफोरेटेड जो अपना कपड़ा होता है उस टाइप का दिया गया है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिंट ये देता है वेंटिलेटेड सीट्स का। बट मेरे को पहले ये बताना है कि आप लोग जो इसका इंटीरियर कलर है वो देखियो भाई, कितना ज्यादा लाजवाब लग रहा है देखने में। सच्ची में देख के भी मुझे तो जब मजा आ गया, ये जो टैन कलर का है, एंड यहाँ से एक पूरी बड़ी इमेज देखने को मिल जाती है जिसमें दिखता है कि दो कलर के जो इंटीरियर्स हैं बेसिकली वो यूज करे गए, एक तो जो है ब्लैक कलर का, एंड साथ ही साथ जो यहाँ पे टैन ब्राउन कलर का जो है वो यूज करा गया। दोनों का जो मिक्सचर है नो डाउट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। एंड हाँ, कोई दूर से देख के ये कह सकता है कि भाई प्रीमियम एसयूवी वाले जो फील है आपको पूरा पूरा इस गाड़ी में देखने को भी मिलने वाला है, मिल भी रहा है। तो गाइस, ऑल इन वन ओवरऑल मैं बताऊं वेंटिलेटेड सीट्स के बारे में आप लोगों को, तो वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ से 100% कंफर्म तो नहीं है, बट बहुत बड़ा अंदाजा जो है वो ये बताता है कि वेंटिलेटेड सीट जो है आपको देखने को अब की बार नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में देखने को मिलने वाली है। क्योंकि ये वाला जो लेदर है या फिर ये वाला जो कपड़ा है, मोस्टली कंपनीज जब यूज करते हैं, जब वो लोग जो है वेंटिलेटेड सीट्स देते हैं, तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड यही है कि वेंटिलेटेड सीट्स जो है हमको देखने को मिलने वाली है। तो ये थे भाई कुछ लुक्स अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के, एंड आई होप कि आप लोगों को आज की जो वीडियो है वो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो जरूर लिख के बताइएगा। रास्ते में चलते चलते मैंने रिकॉर्ड करी है, किसी और शूट की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, बट देन फिर जो भी डाटा टूटा निकाल के मैंने आप लोगों के लिए डाल दिए। तो यहाँ तक अगर वीडियो देखिए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नए स्कॉर्पियो के लीक के साथ आपको बहुत ही जल्द। आज के लिए तो इतना ही था, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ पसंद आई हो। ऊपर मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक पा रहा होगा, आप लोग जाके मुझे वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते। जैसा कि आपने देखा होगा, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बारे में हमने आपको लेटेस्ट लीक्स बताए आज की वीडियो में। एंड आई होप कि आप लोगों को गाड़ी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन जरूर लिख के बताइएगा, या फिर जो भी आप लोग सोचते हैं गाड़ी के बारे में जरूर मुझे लिख के बताइएगा। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे ऐसी और वीडियो तक के लिए। बाय बाय और धन्यवाद। और आई नो कि पीछे आवाज आ रही होगी।